जी नमस्ते जी, आपका स्वागत है रत्नात्रय के इस वीडियो में। तो हम आप अभी चलते हैं रत्नात्रय, ये महाराष्ट्र के नागपुर शहर में स्थित है, ये लक्ष्मी नगर में है। तो यहाँ पर अभी आपको सबसे सस्ता यंत्र मिल सकते हैं। ये यंत्र दो टाइप में अवेलेबल है, एक 5 बाय 5 सेंटीमीटर, 8 बाय 8 सेंटीमीटर। आपको अलग अलग प्रकार के यंत्र यहाँ पे मिल सकते हैं। जैसा दोस्तों देखो, जीवन में जो खूब से प्रकार के आपको पीड़ा हो सकती है, तो उसके उपाय के लिए आप कुछ ना कुछ यंत्र रख के उसको कुछ ना कुछ परसेंट कम कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये पहला श्री श्री यंत्र, ये है 8 बाय 8 सेंटीमीटर का श्री श्री यंत्र। श्री श्री यंत्र का उपयोग होता है, जैसा ये धन प्राप्ति के लिए यूज होता है, इसका जैसा कुबेर या लक्ष्मी माता, जैसा ये एक यंत्र है, ये आप तिजोरी में भी रख सकते हैं, आपके वॉलेट में रख सकते हैं, पॉकेट में, पर्स में या बैग में आपका, या फिर आप पूजा घर में भी रख सकते हो, जिससे आपको धन प्राप्ति की आसानी हो सकती है। जैसा अभी दूसरा चलते हैं अपन, ये महामृत्युंजय यंत्र। महामृत्युंजय यंत्र यानी कि देव को देव, महादेव के यंत्र। ये यंत्र ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ा दूर करने के लिए होता है, और या फिर आयु बढ़ाने के लिए यूज होता है। इससे आपके पूरे रुके हुए काम, अगर ये आप रखते हैं तो आपके रुके हुए काम बन जाते हैं, और आपको जो भी पीड़ा हो रही है वो दूर हो जाती है। ये भी आप दोस्तों आप पॉकेट में, वॉलेट में या फिर बैग में रख सकते हो, या फिर आप पूजा घर में भी रख सकते हो। ये अभी आप नेक्स्ट चलते हैं, ये महालक्ष्मी यंत्र। देखिए, लक्ष्मी जी के बारे में तो सभी जानते हैं, ये महालक्ष्मी का यंत्र है। महालक्ष्मी का यंत्र रखने से आपके पास धन का पार आ जाता है, और आपकी दुख पीड़ाएँ दूर हो जाती है। ये 8 बाय 8 सेंटीमीटर में भी अवेलेबल है, और 5 बाय 5 सेंटीमीटर में भी अवेलेबल है। तो देखिए दोस्तों, भी ये राहु यंत्र है, जिसकी कुंडली में राहु ये दोष बना हुआ है, ये आप रख सकते हो। देखिए यहाँ पे आप यंत्र भी देख सकते हो, यहाँ पे यंत्र लिखा हुआ है, या आप 108 बार, 101 बार, 11 बार, 21 बार, आपके हिसाब से आप बोल सकते हो, और ये आप कहीं वॉलेट में, पॉकेट में, कहीं भी रख सकते हो आप। जैसा ये राहु हो गया, उसी तरह से ये केतु यंत्र भी हमारे पास अवेलेबल है दोस्तों। ये भी आप, जिसकी कुंडली में केतु दोष है, वो भी आप, ये देखिए यंत्र यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ये आप बोल सकते हो और आपकी पीड़ा भगा सकते हो, दूर कर सकते हो। ये शनि यंत्र है, जिसकी कुंडली में शनि दोष है, वो ये यंत्र रखे वॉलेट में, पॉकेट में, ये शनि यंत्र यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं आप। चलो तो फिर ये है, और ये आप देख सकते हैं लग्न योग यंत्र, ये इसकी शादी नहीं हो रही खूब साल से, तो ये अगर यंत्र रखते हैं तो हो सकता है आपके रुके हुए काम बन सकते हैं। ये पूरे यंत्र जो दोस्तों देख रहे हैं, ये पूरे एनर्जाइज हुए हुए हैं, यहाँ पे एनर्जाइज होते हुए रहते हैं। ये आप ये देखिए, ये अभी मैं आपको थोड़ा सा दूसरे दिखाता हूँ। ये देखिए सरस्वती यंत्र, सरस्वती यंत्र, ये आप सरस्वती यंत्र, ये 8 बाय 8 सेंटीमीटर में भी अवेलेबल है, 5 बाय 5 सेंटीमीटर, जिसकी ये सरस्वती यंत्र यहाँ यूज होता है दोस्तों। यहाँ कोई स्टूडेंट थोड़ा कमजोर हो पढ़ाई में, तो वो अगर ये अपने वॉलेट पॉकेट में या बैग में रखते तो उसको थोड़ा धन, अपना बुद्धि प्राप्ति हो सकती है, और उसको पढ़ाई में थोड़ा इजी जा सकता है। ज़्यादा ज़्यादा कमजोर लोग, ज़्यादा पढ़ाई में जो हो, वो ये रखना जरूरी है। ये आप देख सकते हैं मंगल यंत्र। मंगल यंत्र का उपयोग, जिस कुंडली में मंगल ये दोष हो, वो ये कुंडली, ये यंत्र आप रख सकते हो। यहाँ पे मंगल यंत्र का यंत्र भी लिखा हुआ है, ये आप पढ़ के 108 बार, या 1 बार, 21 बार, या आप पढ़ के आपका जो रुके हुए काम वो बढ़ आगे कर सकते हैं। ये वाहन दुर्घटना यंत्र, ये हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सेल होने वाला यंत्र है दोस्तों। ये वाहन दुर्घटना यंत्र, यानी कि पंचमुखी हनुमान, हनुमान जी का ये यंत्र है। यहाँ पे यंत्र लिखा हुआ है, जिनको वाहन दुर्घटना की ज़्यादा से ज़्यादा मतलब चांसेस रहते हैं, वो यंत्र जरूर कैरी करें, और आपकी जो दुर्घटना हो सकती है वो आपको हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये यंत्र आपको वाहन दुर्घटना होने से बचाने के काम आता है।